76 लेंस मेकर में क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट। टू में राइट द लेंस मेकर फॉर्मूला एंड यूज इट टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस कैप्ट इन एयर वुड हैव अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेसेस। तो आपको क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला लिख लो, 1/f = μ − 1, 1/r1 − 1/r2। तो क्या निकालना है, म्यू की रेंज निकालनी है। फॉर विच फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स लेंस क्या होता है, बाइक डबल कन्वेक्स लेंस, जिसमें एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, आर वन पॉजिटिव आर टू नेगेटिव, कैप्ट इन एयर वुड हैव अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेस। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन आर, ये कंडीशन बनानी है। तो इसके अंदर क्या किया, लेंस मेकर लिखा, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव लिखा, ये पुट करके आपके पास ये फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करके ये आ गई लेंस मेकर से। अब आपको क्या करना है, आपको एफ ग्रेटर देन आर बनाना है। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया कि इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो एफ बाई आर की वैल्यू क्या है, 2 × μ − 1। तो अगर एफ ग्रेटर देन आर है तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, तभी तो एफ ग्रेटर देन आर बनेगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो 1 शुड बी ग्रेटर देन 2 × μ − 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसे ओपन कर लें, 1 > 2μ − 2, 2μ < ये इधर आ गया तो 3, तो μ < 3/2 रेंज आ गई म्यू की। तो यहां से आंसर आ जाएगा 1.5। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करना ही नहीं है, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है, लेंस मेकर लगा दो, दोनों का रेडियस पॉजिटिव राइट, आर भी पॉजिटिव, आर वन भी पॉजिटिव आर टू भी पॉजिटिव निकाल लेना। लेंस मेकर में 1/f = μ − 1, 1/r1 − 1/r2, इसमें आर वन को पॉजिटिव आर टू को पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव लगेगा ही नहीं, दोनों के राइट की तरफ है। तो यहां से आंसर आ जाएगा, दोनों आर पॉजिटिव, एक आर पॉजिटिव दूसरा आर भी पॉजिटिव, तो एक 10 और एक 20 आंसर फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस है, द फोकल लेंथ 20 पॉजिटिव, इट इज मेड अप अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इफ इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, तो नई फोकल लेंथ क्या होगी। तो लास्ट टाइम हमने किया था ना, दो केस बनाए थे, पहला केस एयर के लिए बनाया था, तो एयर में जो फोकल लेंथ है, एयर की फोकल लेंथ में क्या किया था, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर किया था -1, 1/r1 - 1/r2, ठीक। तो 1 बाय फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.6 गिवन है। तो यहां से सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू निकाल लेना, निकल गई। अब केस नंबर 2 में क्या करना है, केस नंबर 2 में आपने किस में इमर्स कर दिया, वाटर में, लिक्विड में, तो 1/focal length लिक्विड में क्या होगा, म्यू लीक, यहां पे क्या आएगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड आएगा, 1/r1 - 1/r2 आएगा। तो 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू पुट करके म्यू को ब्रेक करके लिखेंगे, म्यू ग्लास बाय म्यू लिक्विड पुट करके नई फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, कन्वेक्स और कैसे, तो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस ही होता है ना, डबल कन्वेक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन वहां पुट ही नहीं की, मैंने कहा यार छोड़ो क्या पुट करना, 1/r1 - 1/r2 उठा के पुट कर दिया, तो जो मर्जी लेंस सोच ले चल, मैंने कौन सा आर और माइनस आर पुट किया, 1/r1 - 1/r2 दोनों केस में तो सेम ही रहेगा ना यार, रेडियस थोड़ा ना चेंज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया है, तो चेंजेस तो यहां आ रहे हैं, चेंजेस वहां थोड़ा आ रहे हैं। हाँ तो कर लो, तुमने अगर जो फर्स्ट में पुट की वही सेकंड में कर देना रिप्लेसमेंट, तो वही रहेगी, तुमने अगर ऊपर पुट करनी है तो यहां करते रहो जो करना है,
और यहां भी वही सेम कर दो तो रिप्लेसमेंट ही तो करनी है, फर्क कहां पड़ रहा है उसमें? कि इसको मानो कनकेवो कनकेव या कन्वेक्स जो भी है, इसमें साइन कन्वेंशन पुट करो, हाँ तो कर लो ना, तो फिर यहां भी सेम ही कर लेना। तो जो इस सर्कल के अंदर चेंज करोगे इसमें भी करोगे तो रिप्लेसमेंट तो सेम ही हो जाएगी ना, फर्क कहां पड़ रहा है? अच्छा चलो डिवाइड कर लो तूने इक्वेशंस को तो कट जाएगा, ऐसे बोल लो फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट। एट में कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस किस कैटेगरी का लेंस है? कन्वेक्स की कनकेव, पहला कनकेव नाम है तो फिर ये किसका कैटेगरी है? कन्वेक्स। भाई उल्टा होता है उल्टा होता है, ठीक है तो ये कनकेव कन्वेक्स, कन्वेक्स का कैटेगरी है। आगे कनकेव का नाम आगे है तो रेडियस कनकेव का बड़ा है और कन्वेक्स का छोटा है, ये सिखाया था। तो आर वन आर टू गिवन है, फोकल लेंथ इन वाटर निकालनी है तो कर लो सॉल्व इसमें। तो आर वन आर टू में दोनों इसमें नेगेटिव, देखो ना चांद जैसी शेप बनती है कटा हुआ चांद, तो आर वन आर टू की डिजाइन कन्वेंशन होती सेम है इसमें, ये कौन सा कनकेव है? कन्वेक्स ही तो है। तो अगर आर की एक की साइन नेगेटिव है दूसरे का साइन भी नेगेटिव है या मत करो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव पुट कर लो, फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे इसने मुझे पता नहीं कैसे सॉल्व किया, इसने फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया है जबकि नेगेटिव नहीं यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, कन्वेक्स का पार्ट है ये, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव ही होने चाहिए, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं। वैसे इसने सही नहीं किया, कैटेगरी जो कनकेवो कन्वेक्स है अगर आप चेक करोगे कन्वेक्स लेंस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो चलो इन्हें नहीं, जो भी है पॉइंट समझ में आ रहा है करना क्या है, इकलौता एक ही क्वेश्चन है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन कनकेव कन्वेक्स पे आते नहीं है, नॉर्मल लेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, क्लोज।